हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम SBI PO कट ऑफ 2020 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने जो है आपका कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ को डिस्कस किया है, प्लस आपका मेंस, प्री, इंटरव्यू, फाइनल, चारों तरीके से हमने इसमें रिजल्ट को बताने की कोशिश की है जो कि लास्ट ईयर ऑफिशियल कट ऑफ गया था। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज मिलेगा प्री, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल, तीनों तरीके से आपको कट ऑफ मिलेगा। अगर 2021 का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार आप कट ऑफ पर नज़र मार लें, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि मैं फॉर्म भरने के लायक हूँ या नहीं। ठीक है, तो कट ऑफ जानना बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम कट ऑफ जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कट ऑफ डिस्कस करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेपर में पूछा क्या क्या जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपकी यहाँ पर स्टेज रहती है तीन स्टेज, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, एग्जाम टाइप होता है। देखिए, स्टेज वन में आपका प्रीलिम्स होगा जो कि आपका रहेगा MCQ टाइप रहेगा। ठीक है, इसमें 100 मार्क्स का ये रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेज टू क्या होती है, स्टेज टू में आपका होता है मेंस। प्री निकल गया आपका, तो उसके बाद हुआ मेंस, जिसमें MCQ होगा प्लस डिस्क्रिप्टिव भी होगा, यानी कि आपको एक ऐसे और ऐसे लिखना पड़ेगा और साथ ही एक लेटर भी लिखना पड़ेगा, वो भी कंप्यूटर पर लिखना पड़ेगा, टाइपिंग करके कीबोर्ड से, आपको हाथ से नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपका रहता है 200 प्लस 50 मार्क्स, 200 रहेंगे MCQ के और 50 मार्क्स रहते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव के। ठीक है, स्टेज थ्री में क्या होता है, स्टेज थ्री जो है इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, प्लस ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, और क्वेश्चन टाइप इंटरव्यू पूछा जाता है, वर्बली पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपका 50 मार्क्स का ये रहता है। तो देखिए, मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके से 100 मार्क्स का प्री और मेंस और स्टेज थ्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा प्री का कुछ स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको तीन सेक्शन देखने को मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पर क्वांट में 35, रीजनिंग में 35, टोटल आपको 100 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और टाइम ड्यूरेशन 20-20 मिनट अलॉटेड किया जाता है पर सेक्शन के लिए, यानी कि सिर्फ 20 मिनट में आप इंग्लिश कर सकते हैं, उस समय आप दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है, एक घंटे का समय होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है आपके 1:10 में जो है बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे मेन्स के लिए। ठीक है, इसके बाद हम फेज़ टू की बात कर लेते हैं। फेज़ टू में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका 200 का, डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है टेस्ट टेस्ट एंड कैंडिडेट विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव आंसर टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको टाइपिंग करना पड़ेगी कीबोर्ड के माध्यम से। इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है आपका किस किस बेसिस पे होता है, देखिए रीजनिंग और कंप्यूटर रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन रहता है, और आपका GA रहता है, जिसमें बैंकिंग, अवेयरनेस, इकोनॉमिक, जनरल है ना, ये रहता है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। देखिए, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहता है, यानी कि लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। 35 मार्क्स का आपका DI रहता है, जो कि 60 मार्क्स कैरी करता है, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पर जो देखिए टाइम भी अलॉटेड है, 60 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट। ठीक है, टोटल 3 घंटे रहेंगे, 200 मार्क्स होंगे, 155 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव होगा इसी के साथ आपका, तुरंत इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट का आपका जो है ड्यूरेशन रहेगा डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, और ये 50 मार्क्स कैरी करता है, एक लेटर एक ऐसे आपको दिया जाएगा। तीसरी स्टेज में क्या होता है आपका, देखिए आपका होता है फेज थर्ड। फेज थर्ड में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, जो भी बच्चे आपके सेलेक्ट किए जाते हैं मेंस में, वो 3 टाइम्स होते हैं, 1:3। ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जो है जाती है। ठीक है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, फेज थ्री देखिए लिखा हुआ है इंटरव्यू, नीचे की साइड आप देखेंगे यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए फेज थ्री, एक सेकंड ये लिखा है, देखिए सोशल डिस्टेंस ये। ठीक है, इंटरव्यू रहेगा आपका 50 मार्क्स का, और इसको कैसे कैटेगराइज किया गया, इंटरव्यू 30 मार्क्स और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स। ठीक है ना, ये यहाँ पर रहेगा, इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर लाना होता है। ठीक है, और आपको जो ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 की रहती है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं अपना कट ऑफ क्या क्या गया था। तो देखिए, लास्ट ईयर कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज ये कैटेगरी दे रखी है, ये प्री के दे रखे हैं, आउट ऑफ 100 हो जाता है आपको मालूम है, मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव आउट ऑफ 250, इंटरव्यू आउट ऑफ 50, और फाइनल नॉर्मलाइज जो आपका बनता है वो 100 में से बनता है। ठीक है ना, जो आपके जितने भी 300 हो जाते हैं ना, ये 250 और प्लस 50 जो होगा 300, पर आपका जो मार्क्स बनता है वो 100 में से बनता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर UR देख लेते हैं, जनरल का 58.5 गया था प्री में, इसके बाद मेंस का गया था, इस ये वाला फिर इसमें नहीं जुड़ता है, मेंस का अलग से आता है 88.93, ये आउट ऑफ 250 था। इसके बाद इंटरव्यू गया था आपका 20 मार्क्स, और फाइनल जो बना था 51.23, SC का प्री में 50, मेंस में 73.83, इंटरव्यू में 17.50। ठीक है, और 44.09 ये फाइनल आपका रहा था। ST का 43.75, मेंस में 66.86, 17.50 इंटरव्यू, और लास्ट जो रहा था 41.87। OBC का 56, 18.96 मेंस में, इंटरव्यू में 17.50, और जो फाइनल था वो 45.09। EWS का 56.75 गया, देखिए थोड़ा सा ही कम है ये जनरल से,
और आपका मेंस गया था 84.60, इंटरव्यू 20 सेम सेम रहा था, और जो फाइनल बना था वो आपका 45.35 बना था। ठीक है, तो ठीक है ये फ्रेंड्स वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसी भी बैंकिंग एग्जाम से जुड़ी और हम RRB क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर की सीरीज चला रहे हैं तो प्लीज़ उसे जरूर देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।